जी सर। तो हमने ये 0, 5, 12, 18, 28 अलग अलग क्यों रखा? सर क्योंकि हमारे देश में कुछ व्यक्ति अमीर वर्ग में हैं, कुछ व्यक्ति गरीब वर्ग में हैं। अब अगर हम एक स्लैब में सबको ले लेते सारी वस्तुओं को, तो जो गरीब हैं उन पर ज़्यादा भार पड़ जाता। इसलिए हमने जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको निम्न स्लैब में रख दिया, और जो लग्जरी आरामदायक वस्तुएं हैं उनको हमने उच्च स्लैब में रख दिया है। काफ़ी कुछ सही ये वाला जवाब है। आरती जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम आरती रघुवंशी है, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई अपने गांव अटारी खिजड़ा से पूर्ण की है, और मैंने अपना स्नातक महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज विदिशा से पूर्ण किया है। ये कब क्या पढ़ाई की है आपने? सर मैंने कॉमर्स से बीकॉम किया है। बीकॉम किया जी सर। कब और क्यों आपको लगा कि आपको प्रशासन में आना चाहिए? सर 2016 में जब मेरा स्नातक पूर्ण हुआ तब मुझे प्रशासनिक सेवा के बारे में ज्ञान हुआ, पता चला विदिशा जिले में रहकर, तब मुझे लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। क्या पता लगा था उस वक्त? कि प्रशासनिक सेवा में जो है कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, आपको लोगों से जुड़ाव का मौका मिलता है, और आपकी आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग वहाँ कर सकते हैं। अभी बजट पेश हुआ केंद्र सरकार। जी सर। उसमें मध्य प्रदेश के लिए कुछ विशेष आवंटन हुआ है? जी सर। क्या सर? केन बेतवा लिंक परियोजना है, उसके लिए 14,000 करोड़ का आवंटन इस बजट में है। 44,000 करोड़ सर, 44,605 करोड़ कुल है इस बजट में, 14,000 करोड़ उसके लिए आवंटित है। और सर इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। जी सर। जी सर, ये जैसे चंबल एक्सप्रेस वे है उसके लिए, और नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात भी की गई है। रेलवे लाइन वगैरह भी के लिए पढ़िएगा इसको अच्छी तरह से। जी सर। एक आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। जी सर। आप विशेष इसको पढ़िएगा। जी सर। किसानों के लिए भी कुछ? जी सर, किसानों के लिए केंद्र ने तो 2.37 लाख करोड़ MSP उनके खातों में डाला गया है, और सर इसमें से कुछ मध्य प्रदेश के लिए भी है। डिफिसिट फाइनेंस क्या होता है? डिफिसिट सर एक तरह से जो हानि में चला गया है, जो वित्त हमने दिया है और वो डूब गया है सर, वो डेफिसिट फाइनेंस। डूब गया है तो जरूरी नहीं है। जी सर। डूब गया का कुछ और नाम है। जी सर। डेफिसिट में 70 साल 75 साल से जी सर बजट पेश किया जा रहा है। जी सर। और मुझे जहाँ तक ध्यान है अधिकतर डेफिसिट फाइनेंस बजट सर घाटी का बजट। घाटे का बजट सर मेरा हिंदी मीडियम है, सॉरी सर। घाटे का बजट किसको कहते हैं? सर जब सरकार की जो प्राप्तियां हैं ना वो वैसे कम रहती हैं तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। तो वो अच्छा है कि बुरा है? सर एक तरह से अच्छा तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, क्योंकि कह सकते? नहीं कह सकते सर, क्योंकि हमारी आय कम होती है और हम व्यय ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर सरकार को ऋण लेना पड़ता है, और फिर हम आगे अगले वर्ष में जितना भी हम आय प्राप्त करते हैं ज़्यादातर हम ब्याज में ही चुका देते हैं। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग रहते हैं, बड़े बड़े दिमाग काम करते हैं। जी सर। तो उनको 75 साल से ये नहीं समझ में आया कि ये घाटे का बजट जो है वो अच्छा नहीं है, और 75 साल से भारत घाटे का ही बजट चला रहे हैं। जी सर। कुछ तो औचित्य होगा ना। जी सर, मैं इस पे थोड़ा पढ़ लूँगी सर। थोड़ा सर आप बीकॉम है। जी सर। ये प्रश्न आपसे विशेष कर पूछा और इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। जी सर। GST क्या विषय है? सर GST एक अप्रत्यक्ष कर है, जो हमारे देश में पहले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर थे उनको सामूहिक रूप पे जोड़ के 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में GST लागू। वन नेशन वन टैक्स कह दिया। हाँ। वन नेशन वन टैक्स कह दिया। हाँ, वन नेशन वन टैक्स। जी सर। तो इसमें से अल्कोहल और पेट्रोलियम को बाहर क्यों रखा गया? अल्कोहल और पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है सर, सॉरी सर। इसका उत्तर तैयार कीजिए। जी सर। वन नेशन वन टैक्स कहा था ना। जी सर। तो भाई सब चीज़ों पे वो लगना चाहिए था ना। जी सर। दूसरा, जब वन नेशन वन टैक्स कहा था तो विश्व में कोई मॉडल है जहाँ पर वन नेशन वन टैक्स है? सर हमने तो जैसे फ्रांस से लिया था GST का मॉडल। 14% टैक्स लगता है। जी सर। जी सर। तो हमने ये 0, 5, 12, 18, 28 अलग अलग क्यों रखा? सर क्योंकि हमारे देश में कुछ व्यक्ति अमीर वर्ग में हैं, कुछ व्यक्ति गरीब वर्ग में हैं। अब अगर हम एक स्लैब में सबको ले लेते सारी वस्तुओं को, तो जो गरीब हैं उन पर ज़्यादा भार पड़ जाता। इसलिए हमने जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको निम्न स्लैब में रख दिया, और जो लग्जरी आरामदायक वस्तुएं हैं उनको हमने उच्च स्लैब में रख दिया है।
काफी कुछ सही ये वाला जवाब है जी, थोड़ा सा और इस पे ध्यान देना था जी सर, क्योंकि हमारे यहाँ अंतर आय का अंतर बहुत ज्यादा है जी सर, लेकिन भोजन सभी करते हैं, इसलिए भोजन सामग्रियों को लग्जरी नहीं, भोजन सामग्रियों को इसके बाहर रखा गया, 0% पे रखा गया जी सर। लेकिन कुछ खाने की भी वस्तुएं हैं जो 5% में है, जो गरीब लोग नहीं खाते, 12% में है प्रोसेस चीज वो 12% में है, क्योंकि आम जो गरीब आदमी है वो चीज और बटर नहीं खाता है जी सर। तो बजट से जुड़ी बातें और GST से जुड़ी सारी बातें, विशेषकर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है इसलिए जी सर और ज्यादा थोड़ा गहराई से इसको जी सर। और पेट्रोलियम और वो क्यों नहीं है, अल्कोहल क्यों नहीं है, क्या नाम बेटा आपका? सुनीता है ना सर, आरती रघुवंशी। आरती बेटा बताइए, आप विदिशा से हैं, सम्राट अशोक का विदिशा से क्या संबंध था? सर जो सम्राट अशोक थे उनकी जो पत्नी थी महादेवी, वो विदिशा श्रेष्ठी की पुत्री रही है। ओके। और उससे पहले भी सम्राट अशोक अपने जो पिता थे बिंदुसार, उनके शासनकाल में 18 वर्ष की आयु में वहाँ के प्रांतपति रहे हैं। विदिशा करें कि उज्जैन करें? सॉरी सर, प्रांतपति उज्जैन के थे जी सर, और उनके ससुराल विदिशा जी सर, महादेवी से। महादेवी जी का उज्जैन से क्या संबंध है? सर महादेवी के मतलब सम्मान में महावैश टेकरी स्तूप वहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराएगा। वेरी गुड सर, ये आप पहली कैंडिडेट हैं जिसने जवाब दिया है जी सर। तो वैश्य टेकरी स्तूप क्यों बोलते हैं उसको? सर क्योंकि मैंने पढ़ा तो सर, मैं अभी रिकॉर्ड, महादेवी वैश्य समुदाय से थी जी सर, जी सर है ना जी सर, इसलिए उसको वैश्य टेकरी स्तूप कहते जी सर। इसका एक्सकेवेशन किसने, किसके निर्देशन में अभी चल रहा है वर्तमान में? सर अभी सॉरी सर, अभी चल रहा है ना उसका एक्सकेवेशन? हाँ सर, ये महाकाल कॉरिडोर का विस्तार और साथ में उसका भी कुछ, उसका भी चल रहा है जी सर। और जिस दिन वो पूरा स्वरूप सामने आ गया तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप हो जाएगा वो जी सर। मैं सर MD गद्रे के निर्देशन में चल रहा है, MD गद्रे जैन में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर है जी सर। ठीक है ना, ये बताइए खाम बाबा क्या है? सर खाम बाबा स्थानीय स्तर पे बोलते हैं, वैसे उसको हेलिडोरस स्तंभ बोला जाता है, जो यूनानी शासक थे एंटियाल किट्स, उनका जो राजदूत था हेलिडोरस, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था शुंग काल के जो शासक थे नबे भागभद्र के शासनकाल में। और सर वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं डीमर जनजाति, वहाँ इसकी पूजन करते हैं। और सर ये भारत में पहला भागवत धर्म से संबंधित प्रमाण है, नामिन करके सूर्य देवता का मंदिर है जिसे वर्तमान में हम विजय मंदिर के नाम से जानते हैं, तो उसके नाम पे वहाँ का नाम भेलसावाड़ा है। इसका एक नाम और बेस नगर भी सुनने में आता है। हाँ सर, क्योंकि बेतवा की एक सहायक नदी है बेश, उसके नाम पे इसका नाम बेश नगर पड़ा है। मुझे भी जाना है भाई। सर नमस्कार, जय श्री राम सर। हेलो, ठीक है, विदिशा की जानकारी आपको पर्याप्त अच्छी है ना? यस सर। रघुवंशी यस सर, आपका ले चुका हूँ मैं जी सर। कंप्यूटर साइंस भी है आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन? हाँ सर कंप्यूटर। अच्छा, ये बताइए जो अपना ATM कार्ड रहता है जी सर, क्रेडिट कार्ड रहता है कि डेबिट कार्ड रहता है? सर क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट है आप मतलब सर उससे पैसे निकाले जाते हैं, डेबिट कार्ड कहते हैं उसको है ना? डेबिट कार्ड जी सर। कॉमर्स वाला है सॉरी सर। अच्छा, और एक क्रेडिट कार्ड भी होता है जी सर, वो किन्हें मिलता है? सर जिनकी शाख अच्छी होती है ना, वेरी गुड, उनके लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जो अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे भी ज्यादा वो लोग खर्च कर सकते हैं। बैंक फिर उनको लोन भी दे सकता है? यस सर, है ना, कई भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बताइए कौन सा कार्ड सेफ है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? सर डेबिट कार्ड सेफ होना चाहिए, होना चाहिए सर, अनुमानता सर। हाँ तो क्यों होना, क्योंकि सर जैसे हम क्रेडिट पे कार्ड पे किसी को लोन दे रहे हैं तो साख की वजह से दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से वो डूब भी सकता। डेबिट कार्ड से आप ATM मशीन में लगाते हैं जी सर, तो मशीन आपसे क्या पूछती है, आपका पिन लगाइए जी सर। क्रेडिट कार्ड में कोई पिन नहीं होता, गुम गया तो कोई भी कर सकता फिर उसका उपयोग जी सर। मैं इस पे थोड़ा पढ़ लूंगी। सेफ होता है जी सर। HTTP हाँ क्या होता है सर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके आगे एस और लगा दो, HTTPS प्रोटोकॉल। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर।
अब रिकॉल नहीं कर पा रहे, नहीं तो कि दोनों में अंतर पूछने वाला था कौन ज़्यादा सेफ है, HTTP सेफ है या HTTPS। आपने HTTP का अर्थ बता दिया जी सर, एस और लगाया उसके आगे सिक्योरिटी लगा है तो फिर वो सेफ होना चाहिए। जी सर, ऊपर वाले में सिक्योरिटी था ही नहीं। जी सर, है ना? जी सर। अच्छा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सी कंट्री के पास है? सर अभी वर्तमान में फुगाकू जापान। जी सर, लेटेस्ट जो रहा सर मेहर करके रहा था 63वें स्थान पे उस समय जब ये लिस्ट आई थी। जी सर,